हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपो कार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होंडा की क्रेटा के एक बहुत ही खास वेरिएंट के बारे में। काफ़ी ज़्यादा ये रेयर दिखता है काफ़ी मॉडल, और कौन सा मॉडल है अभी बताएंगे, क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं वो भी बताएंगे इस वीडियो में, कितने का प्राइस है सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, जो वेरिएंट है ना भाई, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको मार्केट में। बीच में तो ये वेरिएंट आना ही बंद हो गया था, लेकिन फिर से दोस्तों ये आने लग गया है अपडेट के साथ। जब से ये क्रेटा का नाइट एडिशन लॉन्च हुआ था, उसके बाद से ये वेरिएंट दिखना बंद हो गया था। कौन सा वेरिएंट है, सबसे पहले नाम बता देता हूँ इसका। ये जो वेरिएंट है दोस्तों, एस मॉडल है क्रेटा में, क्रेटा एस मॉडल पेट्रोल में आप देख रहे हैं मैनुअल में। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं वो आपको दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो उसके जो हेडलाइट्स, तो यहाँ पे दोस्तों एस मॉडल में ना आपका प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है, जो कि इसका बेस मॉडल में जो आता है सेम वही आपका यहाँ पे हेडलाइट्स मिलता है। बाकी यहाँ पे पतली सी यहाँ पे वाइट कलर की डीआरएल्स आ जाती है। ऊपर दोस्तों ये जो है ना, ये अपना रैपिंग किया हुआ है, अंदर तो ब्लैक ही है, ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है। अगर कस्टमर बोलेंगे तो वो हटवा देंगे बाद में, तो उसी चक्कर में अभी लगी पड़ी है। बाकी यहाँ पे इसका जो ग्रिल है, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग देख सकते हैं। सिल्वर फिनिशिंग के साथ साथ अपना क्रोम में चारों तरफ से यहाँ पे मिल जाता है ग्रिल, तो यहाँ पे बीच में हुंडई का लोगो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लगता है। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, इससे नीचे जो मॉडल्स आते हैं उसमें दोस्तों फॉग लैंप नहीं आता है, लेकिन इसमें आपको फॉग लैंप मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जो कि हैलोजन में आता है। साइड में दोस्तों इंडिकेटर है, और फ्रंट में दोस्तों सिल्वर कलर की स्किड प्लेटें मिलती है। अब आपको कार का एक बार साइड प्रोफाइल दिखाते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कौन सा वेरिएंट है, इस वेरिएंट का जो पहचान अभी आपको होने वाला है। तो ये है दोस्तों कार का साइड प्रोफाइल, देख रहे हैं इसका जो व्हील्स का डिज़ाइन ही अलग है इसमें। तो ये दोस्तों एस मॉडल के व्हील्स इस तरीके से यहाँ पे आते हैं। दोस्तों ये जो है अपना स्टील रिम है, स्टाइलिश स्टील व्हील बोलते हैं इसको, व्हील कवर है लेकिन जो है स्टाइलिश में है, इसीलिए इसको स्टाइलिश स्टील व्हील कवर बोलते हैं। बाकी 205/65R16 का यहाँ पे टायर मिलता है। फ्रंट में दोस्तों डिस्क ब्रेक है, और रियर में भी दोस्तों डिस्क ब्रेक आ चुका है, क्योंकि ये दोस्तों है अपडेटेड वाला। बाकी यहाँ पे इसका ORVM देखेंगे तो ORVM दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आ जाता है, बट नॉट फोल्डेबल यहाँ पे मिलता है, इंडिकेटर ORVM पे मिल जाता है। बाकी नीचे दोस्तों यहाँ पे सिंपल कोई लाइटें वगैरह नहीं आती है। ए पिलर बॉडी कलर, बी पिलर पियानो ब्लैक फिनिशिंग में, मतलब कि बॉडी कलर ही है, और सी पिलर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे लंबी इसी चौड़ी पट्टी में यहाँ पे जाती है। ऊपर दोस्तों अपना रूफ रेस मिल जाता है पतली सी सिल्वर कलर में। और ये है दोस्तों कार का साइड प्रोफाइल, मैंने अभी आपको दिखाई दिया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना इसमें, वो 190mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है, 190mm का। अब आपको कार का रियर दिखाते हैं यहाँ पे। तो रियर में दोस्तों यहाँ पे टॉप एंड का यहाँ पे रियर मिल जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि इस मॉडल में आपको जो है वाइपर, डिफॉगर ये दोनों आपको मिल जाएगा, हाई मोटर स्टॉप लैम्प, ऊपर दोस्तों शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी रिवर्स यहाँ पे लाइट देखेंगे तो यहाँ पे चौड़े पट्टे में जो है अपना इसका टेल लाइट्स मिलता है। बाकी इंडिकेटर जो है हैलोजन में मिलता है। रिवर्स लैंप यहाँ पे नीचे प्लेस किया हुआ है, रिफ्लेक्टर हो गया, चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर कलर का स्किड प्लेट मिलता है। ये जो वेरिएंट है दोस्तों कंप्लीट है, यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। तो ये था दोस्तों कार का रियर प्रोफाइल। अब आपको एक बार इसका बूट दिखाते हैं। तो भाई मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे बूट देखेंगे ना तो ज़बरदस्त भाई इसमें स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे मिल जाता है इस वेरिएंट में, पार्सल ट्रे के साथ आता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लगेज लैंप भी मिल जाता है। यहाँ पे जो स्पेस है वो 433 लीटर का यहाँ पे बूट स्पेस मिलता है। रिफ्लेक्टर हो गया, यहाँ पे छोटा सा एक हुक मिल जाता है पॉलीथीन वगैरह टांगने के लिए। स्टेपनी दोस्तों, स्टेपनी भी 205/65R16 का यहाँ पे मिलता है। बाकी जैक वगैरह इसी के अंदर मिलता है। करते हैं इसको बंद। चाबी कुछ इस तरीके से इस गाड़ी में मिलता है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वाला है, देख सकते हैं, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करने वाला बटन के साथ यहाँ पे मिलता है। अब चलिए बात करेंगे इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंटीरियर की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको पता चल गया कि इसमें पुश बटन आ जाता है। यहाँ पे पहले आपको डोर दिखा देते हैं। डोर दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है, बीच और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी ऑल यहाँ पे प्लास्टिक फिनिशिंग है, कहीं पे भी सॉफ्ट टच नहीं है। बाकी यहाँ पे ऑल पावर विंडो हो गया, सेंट्रल लॉकिंग हो गया, मिरर एडजस्ट करने वाला यहाँ पे बटन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों फोल्डेबल वाला फीचर नहीं आता है। स्पीकर ग्रीस हो गया, ट्विटर्स
यहाँ पे बॉटल होल्डर आ जाता है, बॉटल कम से कम 1.5 लीटर के आसपास में या 1 लीटर या 1.5 लीटर के आसपास में यहाँ पे आ सकता है, या 1.25 जो लीटर वाला बॉटल आता है वो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके सीट, तो भाई सीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। सेकेंड टॉप तक भाई यही सीट आपको मिलता है, मतलब कि फैब्रिक में आता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अपडेटेड है, इसलिए इसमें सीटों में एयरबैग देखने के लिए मिल जाएगा दोनों सीटों में। बाकी सीट जो है हाइट एडजस्टेबल सीट आ जाता है, देख सकते हैं। अब अंदर बैठते हैं फिर आपको फीचर दिखाते हैं। तो गाइज़ मैं बैठ चुका हूँ अंदर। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो कुछ बटन्स आ जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हो गया अपना गाड़ी को स्टार्ट करने वाला पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप। ये दोस्तों हो गया अपना आइडल स्टार्ट स्टॉप को ऑफ करने वाला बटन, और यहाँ पे ट्रैक्शन डिसेबल करने वाला बटन, और ये दोस्तों हेडलैम्प लेवल करने वाला बटन यहाँ पे आ जाता है। बाकी यहाँ पे स्टेयरिंग देखेंगे तो स्टेयरिंग दोस्तों डी कट में मिलता है कुछ इस तरीके से। इधर अपना म्यूज़िक के कंट्रोल्स और इधर अपना क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन है। स्टेयरिंग दोस्तों टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक दोस्तों इसमें नहीं आता है। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल अपना वाइपर वाले फंक्शन, और इधर दोस्तों अपना मिल जाता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प के साथ यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो क्लस्टर देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। करते हैं इसको स्टार्ट एक बार। तो ये है दोस्तों इसका क्लस्टर। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ एनालॉग मीटर मिल जाता है, आरपीएम और स्पीडोमीटर। साथ ही साथ इधर टेम्परेचर वाला मीटर इधर दिखाता है, और इधर अपना जो फ्यूल मीटर दिखाता है। बाकी यहाँ पे जो है टीपीएमएस वगैरह आ जाता है, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सारे फंक्शंस यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और इधर आप म्यूज़िक सिस्टम की बात करेंगे तो म्यूज़िक सिस्टम भाई ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये जो है म्यूज़िक सिस्टम अपना वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है, जो एक बेहतरीन फीचर यहाँ पे दे देता है हुंडई। और यहाँ पे साइड में कुछ बटन्स है, इधर अपना ट्यून करने वाला है, इधर वॉल्यूम वाला बटन हो गया। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो दोस्तों ये एसी के यूनिट्स यहाँ पे मिलते हैं, जो कि इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इस वेरिएंट से दोस्तों ऑटोमेटिक एसी मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इधर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 12 वोल्ट आउटपुट यूएसबी, और इधर चार्जिंग के लिए यूएसबी यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और यहाँ पे दोस्तों ट्रांसमिशन हो गया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। ये दोस्तों पेट्रोल वेरियंट है, इसका डीजल भी आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग हो गया, इधर अपना बॉटल होल्डर हो गया, इधर अपना जो है हैंड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे बड़ा सा आपको जो है हैंडरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है ड्राइवर के लिए। दोस्तों फिक्स रहता है इसमें, और यहाँ पे अंदर भी स्पेस है, वॉलेट रखना हो, सैनिटाइजर रखना हो, यहाँ पे आप रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो कूल्ड मिल जाता है इस वेरियंट में। यहाँ पे जो IRVM है वो मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल के साथ आता है। और इधर अपना जो है सनग्लासेस होल्डर हो गया कुछ इस तरीके से, लाइटें हैलोजन में। और दोस्तों यहाँ पे वैनिटी मिरर आ जाता है, और इस साइड में दोस्तों टिकट होल्डर मिलता है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी कैबिन लैंप दिया गया है, जो रियर पैसेंजर के लिए रीडिंग लैंप जिसको बोलते हैं। तो ये था दोस्तों कार का जो है इंटीरियर, फ्रंट का कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलता है। एक बार आपको इसका रियर कैबिन दिखाते हैं। रियर दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे रियर डोर इसका मिल जाता है, वही बीच कलर ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन के साथ है, सिल्वर कलर का इनर डोर हैंडल, पावर विंडो वाला बटन। इसमें दोस्तों एक खास चीज़ मिल जाता है ये, तो यहाँ पे भाई साइड इसको सनसेट मिल जाता है रियर वाला। अगर आप इसके ऊपर वाले वेरिएंट जाते हैं ऊपर में मिलता है, बट इसके नीचे जो है ये वाला फीचर नहीं मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके रियर सीट, तो रियर सीट यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे लग रही है। और ये दोस्तों 60-40 सीट के साथ आता है स्प्लिट करने के साथ, और यहाँ पे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ आता है। मानी ये पहले 1 लेवल पे है, अगर दूसरे लेवल पे ले जाना है इसको तो थोड़ा और इस तरीके से लेवल पे चला जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो है इसका सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अभी पन्नी चढ़िए निकलेगा नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रियर एसी वेंट हो गया इसका, और यूएसबी पॉइंट, और यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। रियर सीट बैक पॉकेट ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड में मिल जाता है। और यहाँ पे जो लाइट की बात कर रहा था, तो इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। तो ये था दोस्तों कार का रियर केबिन कुछ इस तरीके से। अब आपको इसका इंजन दिखाते हैं, फिर इसकी कीमत की बात करते हैं। तो ये है दोस्तों कार का इंजन। यहाँ पे देखेंगे तो प्रॉपर इंसुलेशन भी मिल जाता है, हालांकि साइलेंट इंजन है फिर भी इंसुलेशन दे देता है। इंसुलेशन का एक फ़ायदा होता है, इसका जो हीटिंग होता है वो ऊपर नहीं आता है बोनट पे। तो यहाँ पे जो इसका इंजन देखेंगे तो 1.5 लीटर का पेट्रोल एमपीए इंजन आता है मल्टीपल इंजेक्शन सिस्टम के साथ, जो लगभग इसका पावर की बात करूँ तो 113 Nm का पावर मिल जाता है, PS का पावर मिलता है 113 PS का। और टॉर्क की बात करेंगे तो 143 Nm का टॉर्क के साथ ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। करते हैं इसको बंद। तो यहाँ पे इसकी माइलेज की बात करेंगे तो माइलेज अगर ये पेट्रोल में है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसका जो ऑन रोड जो है माइलेज है, ऑनलाइन जो क्लेम होता है वो 17 का क्लेम होता है,
लेकिन आप मान के चलिए 14 से 15 के आसपास में इसका एक्चुअल माइलेज आता है। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कीमत की, तो यहाँ पे इसका एक्सशोरूम कीमत है वो लगभग 13,05,700 इसका एक्सशोरूम कीमत है, और अगर आप ये उत्तराखंड से परचेस करते हैं यानी उधमपुर से, तो लगभग ये 15,27,000 की ऑन रोड बैठ जाती है। आपको कैसी लगी कार मुझे कमेंट में करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।